ଇଟାଲରନ୍ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଆଇନକୁ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ। ବ୍ରଜରାଜନଗର 9 ନମ୍ବରଠାରେ ଅବରୋଧ କଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49। ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 2023ରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରବଧାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ NH49କୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। मेरा नाम लक्ष्मीचंद राय है। मैं हम लोग जो सरकार जो काला कानून लाया है 10 लाख रुपया और 10 साल का सजा एक्सीडेंट होने के बाद, तो हम लोग के लिए ये कानून लागू हम लोग लागू नहीं होने देंगे। हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम लोग घर चले जाएंगे। हम लोग इसीलिए हैवी व्हीकल्स को हम लोग बंद किए हैं। हमको हैवी व्हीकल से मतलब है और कोई से मतलब नहीं है। हमको जो अभी काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, चाहे हम लोग घर चल जाएंगे। जो ही कह रहा है सरकारी सरकार का मांग हम लोग का मंजूर नहीं है। तो मैं यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, हैवी व्हीकल है और सरकार का इस नियम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए कि सरकार यहाँ गाड़ी नहीं चला रही है, हम लोग चला रहे हैं। हम लोग 10 रुपये कमाते हैं, 10 लाख रुपये कहाँ से देंगे? चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, तभी गाड़ी यहाँ से चालू होगा, नहीं तो अनिश्चित काल हड़ताल रहे।